रेड वेलवेट स्पंज बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 5 एग, 500 ग्राम रेगुलर शुगर ऐड करेंगे इसमें, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क 300 ml, साथ में डाल देंगे 300 ग्राम योगर्ट, साथ ही 1 teaspoon हम नमक डालेंगे इसमें। शुगर हमारी बीट हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 300 ml ऑयल लेंगे इसके अंदर। ऑयल को भी विक्स की मदद से हल कर देंगे इसमें। ऑयल को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम मैदा, पच्चीस ग्राम हमारा जाएगा बेकिंग पाउडर और हमारा जाएगा 5 ग्राम स्वीट सोडा। फ्लोर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे विनीगर 20 ml, 1 teaspoon हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस, अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर, कलर अभी सेट नहीं हुआ इसलिए हम और ऐड करेंगे रेड कलर इसमें। रेड कलर ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे कोको पाउडर, कोको पाउडर हम पहले भी ऐड कर सकते हैं रेड कलर ऐड करने से पहले, लेकिन हमने एंड पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसका जो कलर है वो शो नहीं होता फिर प्रॉपर। रेड वेलवेट की रेसिपी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, अब हम इसको ऐड करेंगे मोल्ड में। एक 150 के टेम्परेचर पर 30 मिनट के लिए बेक करने के बाद रेड वेलवेट स्पंज हमारा रेडी है। ओवन से निकालने के बाद हमने स्पंज को ठंडा कर लिया, ठंडा होने के बाद अब हम इसकी बनाएंगे लेयर्स। दूध के साथ दोबारा इसको स्पंज को जूसी करेंगे हम। क्रीम बनाने की जो हमने रेसिपी है वो आपके साथ ऑलरेडी शेयर की हुई है, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। आप कप्स के हिसाब से ले लें या ग्रामिंग के हिसाब से ले लें, ग्रामिंग के हिसाब से मैं आपको रेसिपी बताता हूँ कि 300 ml जो आपकी विप क्रीम होगी उसमें 50 ग्राम हमारा कंडेंस मिल्क जाएगा, 100 ग्राम उसमें क्रीम चीज़ और वनीला एसेंस। इस तरह आपकी क्रीम रेडी हो जाएगी। स्पंज जो हमने बनाया था 1 by 1 करके बनाया है, एक हमने पहले स्पंज बना लिया था, एक आपके साथ रेसिपी में हमने शेयर किया है। फाइनल लेयर आएगी हमारी, टॉप पे क्रीम लगाएंगे और ऊपर से नाइफ की मदद से हम इसको इक्वल कर देंगे। साइडों पे क्रीम लगाएंगे और साइडें कवर करेंगे इसकी। रेड क्रम हम लगाएंगे, स्पंज को हमने ड्राई कर लिया, ड्राई करने के बाद किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर लेना है।